एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज के वीडियो के शुरुआत का एक मिनट में आप लोगों का ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे एक मित्र हैं, फ्रेंड है मेरे, जिनकी एक साइट है, दैट नेम इज केमिस्ट्री एबीसी, ठीक है। और इस साइट पर आप केमिस्ट्री के किसी भी जो स्टैंडर्ड है, 11th से लेकर के ऊपर का कोई भी जो स्टैंडर्ड है, उसके आप नोट्स क्या कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल, पीडीएफ फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो भाई इसीलिए मैंने लिख भी दिया है, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो, तो मैंने पूरा लिख दिया कि मनी कैम प्लस केमिस्ट्री एबीसी। और इस पर आपको 11th से लेकर के जो आपका सीएसआईआर, नेट एंड गेट तक के एग्जाम होते हैं, ठीक है, आईटी गेट तक के एग्जाम, आईटी जेएम के एग्जाम, आईटी गेट के, टीआईएफआर के, बार्क के, जितने भी एग्जाम्स हैं आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जितने भी नोट्स आपको होंगे, वो सारे के सारे आपको इस साइट पे क्या हो सकते हैं, आसानी से मिल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी भी नोट्स की जरूरत कभी भी पड़ती है, तो आप इस साइट से क्या कर सकते हो, उसे आसानी से क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो ये तो भाई अपने अपनी पर्सनल बात हो गई, अब हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में मेन फोकस कहां पर रहा, मेन फोकस रहा हम लोगों का, रिलेशन निकाल दिया था हम लोगों ने किसके किसके बीच में, ए और आर के बीच में। ए का मतलब एज ऑफ क्यूबिकल यूनिट सेल, और आपका आर क्या था, रेडियस ऑफ एटम। इन दोनों के बीच में हम लोगों ने क्या कर लिया था, रिलेशन सबसे पहली बात फाइंड कर लिया। दूसरी बात, हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा, दैट टर्म इज पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, उस पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक के लिए उसे क्या कर लिया था, कैलकुलेट भी कर लिया था, ठीक है। तो अब हम लोगों को करना क्या है भाई, दो चीजें बची हैं, बीसीसी लैटिस और एफसीसी लैटिस, ठीक है। उसके बाद में आपका एक नया टॉपिक शुरू होगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आज उन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके बस वहीं पर रुक जाएंगे, और बेसिकली होगा क्या, हमारा पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, साथ साथ क्या निकालेंगे, वैकेंट स्पेस भी निकालेंगे। तो जो जरूरी जानकारी है, जो कि आपको पहले पढ़ा चुका हूं मैं, कि अगर बीसीसी सेल होता है आपका, यूनिट सेल अगर कैसा हो, बॉडी सेंटर्ड हो, तो उसके लिए हम लोगों ने ये रिलेशन निकाला था, याद करो, रूट थ्री इज इक्वल टू फोर आर, जहां पर ये फोर आर डायगनल ऑफ क्यूबिकल यूनिट सेल के क्या होते थे, बराबर होते थे। और दूसरा हम लोगों ने फॉर एफसीसी के लिए क्या निकाला था, रूट टू ए इक्वल टू फोर आर। रूट टू ए क्या था हमारा, जो स्क्वायर फेस होता है क्यूब का, उसका जो डायगनल था वो, और फोर आर तो हमारे चार आइटम आते थे, चार आइटम नहीं आते थे सॉरी, फोर इंटू रेडियस आती थी, यानी कि एक तो पूरा का पूरा आइटम फेस पे होता था, तो उसका पूरा डायमीटर हमें कंसिडर करना पड़ता था, तो टू आर तो वहीं से आ जाते थे, और एक सिंगल आर कॉर्नर से और दूसरा आर दूसरे कॉर्नर से, ठीक है। वो बातें हम लोगों की लास्ट वीडियो में पूरी तरीके से हो गई है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज सबसे पहले जाकर के लेक्चर दो देखो, लेक्चर वन देखो, और उसके बाद आप इस लेक्चर पे आओ, तभी आपको चीजें अच्छी तरीके से क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो ये रिलेशन मैंने बेसिकली लिख इसलिए दिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं को क्या करेंगे, इन्हीं को यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। तो टॉपिक हमारा पुराना है, बस हमारे सेल्स क्या है, नए हैं, यूनिट सेल जो है वो नए हैं, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं, हेडिंग डाल दो अपनी कॉपी पर, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बीसीसी लैटिस, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बीसीसी। तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपको परसेंटेज में निकलवा दूंगा, और आप लास्ट में उसका क्या कर देंगे, 100 से आप उसे डिवाइड कर देंगे, आपकी किसमें, डेसिमल में आ जाएगी, ठीक है, डेसिमल में ही रखनी भी होती है, कोई आपको फ्रैक्शन में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में करना जरूरी नहीं होता। तो बीसीसी लैटिस के लिए अगर हम लोग बात करें, तो हम लोगों को दो तीन बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, ये सारी पढ़ चुके हैं, बस रिवाइंड कर रहा हूं। पहली बात क्या पता होनी चाहिए, कि यहाँ पर जो हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है, वो होता है रूट थ्री ए इज इक्वल टू फोर आर के बराबर। दूसरी बात, जो इसमें जेड होता है वो कितना होता था, दो होता था, यानी कि इसमें कितने एटम प्रेजेंट होते थे, कंट्रीब्यूशन अगर ओवरऑल देखा जाए तो दो होते थे, क्योंकि हम लोगों को पता है, रिवाइज करा देता हूं एक बार फिर से, हमारे कॉर्नर कितने होते थे, आठ, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता था, 1/8, तो 8 और 8 कैंसिल आउट हो जाता था, 1 एटम तो यहां से आ गया कंट्रीब्यूशन, और बॉडी सेंटर एक सिंगल होता था, यानी कि पूरे के पूरे बॉडी सेंटर का एक, तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ एटम यानी कि जेड क्या आता था, दो आता था, ठीक है। तो अब बात कर लेंगे बस किसकी, पैकिंग फ्रैक्शन की, और पैकिंग फ्रैक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शुरू करो भाई, फॉर्मूला लगाओ, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू जेड इंटू नंबर ऑफ, सॉरी, हाँ, जेड इंटू क्या होता था आपका, वॉल्यूम ऑफ किसका, यूनिट सेल का, और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ बीसीसी लैटिस कर लो, और मल्टीप्लाई क्या कर दो आप, 100 से कर दो, ठीक है। बस इतने फॉर्मूले को हम लोगों को कैलकुलेट कर देना है, और हमारे पास में क्या निकल आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन निकल आएगा। तो भाई बोर्ड को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हाफ डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन काफी ज्यादा होने वाली है आगे, कहां तक दिख रहा है, हाँ ठीक है, यहां तक क्लियरली दिख रहा है बोर्ड आपको। चलो भाई देखो, तो पैकिंग फ्रैक्शन पीएफ लिख लेता हूं इसको। अब जेड क्या है बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू है 2, मल्टीप्लाई करो भाई, तो वॉल्यूम ऑफ, अगर हम लोग क्या देखें, वॉल्यूम ऑफ क्या देखें, एटम देखें, तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा आपका, 4/3 पाई आर क्यू, यही तो पढ़ा, 4/3 इंटू पाई आर Q,
क्यूब, और डिवाइड कितने से करना है, वॉल्यूम ऑफ बीसीसी लैटिस, तो बीसीसी लैटिस भी होती तो क्यूबिकल ही है, और उसकी क्या मान ले एज लेंथ, तो हम लोग ए मान के ही चलते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया ए क्यूब हो गया, और मल्टीप्लाई में कितने से करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है 100 से। बस इतनी बात तो हम लोगों ने पिछले वाले में भी की थी, जब सिंपल क्यूबिक का निकाल रहे थे तब भी यहाँ पर सब कुछ सेम था, बस दो की जगह पर क्या था, एक था, और उसके बाद में जो आर का रिलेशन या ए का रिलेशन रखा था हम लोगों ने, वो किसके अकॉर्डिंग रखा था, सिंपल क्यूबिक के अकॉर्डिंग रखा था। अब जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, अब हम लोग किसके अकॉर्डिंग रखेंगे भाई, बीसीसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो भाई हमें पता है कि जो बीसीसी सेल है उसके लिए ये वाला रिलेशन काम आएगा, यानी कि अंडर रूट 3a इज इक्वल टू किसके, 4r के। अब देखो कौन सा अगर हम लोग रिलेशन निकाले तो पुट करके आसान पड़ेगा हमें कैलकुलेट करना, तो भाई एक ही वैल्यू निकाल दो, एक ही वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4r अपॉन में क्या, अंडर रूट 3। तो जहां पर a दिख रहा है वहां पर क्या वैल्यू रखेंगे, 4r अपॉन रूट 3 रख के हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलो भाई देखो आगे, तो क्या करता हूँ, हाँ ठीक है लिखा रहने दो, इतने में हो जाएगा। अब आगे क्या आया, 2 तो था ही हमारे पास में, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 बाई 3 भी था हमारे पास में, पाई की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 22/7, और आर क्यूब को आप एस इट इज आर क्यूब क्या कर दो, लिखा रहने दो। अब देखो कुछ काम डायरेक्ट करूंगा जिससे टाइम थोड़ा सा कम लगे, यहाँ पर ए की वैल्यू है यार 4r अपॉन रूट 3, और हमें लानी किसकी वैल्यू है, हमें ए क्यूब की वैल्यू लानी है, तो ए क्यूब की वैल्यू लानी है, तो देखो भाई 4 का क्यूब आएगा यहाँ पर, तो 4 का क्यूब कितना हो गया आपका, 4 क्यूब ही लिख लो, ऊपर 4 है भी सॉल्व होगा आसानी से, नीचे रूट 3, तो रूट 3 का अगर क्यूब देखो तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, यानी कि क्या आ गया, रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 यानी कि 3, और एक रूट 3 एसिड रह गया, यानी कि कितना आ गया आपका 3√3, और r का क्यूब अगर करोगे तो आपको एसिड मिल जाएगा r क्यूब, और ये तो फ्रैक्शन है, अभी किसकी जरूरत और है, परसेंटेज निकालने के लिए अभी किसकी जरूरत और है, 100 की जरूरत और है मल्टीप्लाई में। अब देखो जो जो कैंसिल हो रहा हो भाई उसे कैंसिल करो, तो r क्यूब से पूरा क्या कट गया आपका, r क्यूब कट गया, ठीक है, और क्या बचा आपके पास में, अब देखो इसको थोड़ा सही से लिख दूं, कई सारे बच्चे होते हैं जिनको ये अपॉन के अपॉन में दिक्कत होती है सॉल्व करने में, इसलिए उनके लिए स्पेशली किए दे रहा हूं कि भाई ये जो अपॉन के अपॉन में लगा ये कहां जाएगा, न्यूमरेटर में, और जो ये चीजें हैं वो कहां आएंगी, डिनोमिनेटर में। अच्छा एक चीज और है, इस 4 से क्या कर लो, ये क्यूब हटा लो तो स्क्वायर ही बचा आपके पास में, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी आपकी, देखो 2 बचा यहां का, अब ये चीज ऊपर आएगी पूरी की पूरी, यानी कि आपका ऊपर आ गया 3√3 मल्टीप्लाई में 22 एस इट इज ऊपर था हमारे पास में, और नीचे क्या क्या बचा, नीचे बचा ये वाला 3, ये वाला 7, ये वाला 3, ये वाला 7, और मल्टीप्लाई में ये वाला 4 का स्क्वायर और बचा, यानी कि क्या बचा 16, और मल्टीप्लाई कितना 100। तो अब आप क्लियर देख सकते हो भाई, यहाँ पे केवल नंबर है, कोई वेरिएबल नहीं, यानी कि इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो परसेंटेज में आ जाएगी। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हो, इसे आप घर पे सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू आती है 67.04%, और क्योंकि 67.04 है तो 04 लगा हुआ, तो कुछ जरूरी नहीं है कि 04 ले, हम लोग 03 लगा तो छोड़ ही दिया जाता है केमिस्ट्री फिजिक्स में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कई सारी किताबों में इसको क्या लिख दिया गया है, केवल कितने परसेंट, 67% भी लिखा हुआ मिलेगा। एग्जैक्ट वैल्यू पर अगर आप जाना चाहते हो तो 67.04% पैकिंग फ्रैक्शन बीसीसी लैटिस के लिए आएगा। तो भाई देखो ये तो साफ बात थी कि सीसी से तो ज्यादा ही आना था, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में केवल कितने एटम थे, केवल एक एटम था, जबकि बीसीसी में कितने थे, दो थे, तो जब दो थे तो 67.04% आया। अब ये बातें पुरानी है, इनको मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं, और अब निकालें क्या, वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस। तो वैकेंट स्पेस पर अगर जाना चाहे तो क्या होगा भाई, टोटल कितना हो गया 100, कितना कवर है 67%, तो 67 को माइनस कर दो, कितने परसेंट आ गया आपका, जो 33% होगा वो आपका क्या होगा, वॉइड्स में होगा, यानी कि खाली होगा जो वॉल्यूम होगा, और जो 67% होगा वो क्या होगा, भरा हुआ होगा। आप लोग एक बार इसको देख लो पूरा, अगर नोट कर रहे हो साथ में तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद बढ़ते हैं किसके लिए, एफसीसी लैटिस के लिए, ठीक है। चलो फटाक्स करो अब भाई, ये कैलकुलेशन आप लोगों को घर पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करूंगा तो केवल टाइम खराब करना है वो यहाँ पर, अब इसको तो घर पे सॉल्व करो, और घर पे सॉल्व करके एक बार चेक जरूर करना कि ये वैल्यू जो मैंने लिखी है एग्जैक्ट ये आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो आगे किसके लिए बढ़े, एक बची हमारे पास में बस, और वो कौन सी है, एफसीसी है, ठीक है। तो एफसीसी के लिए जरूरी बातें क्या याद रखनी, सारा साफ कर रहा हूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, एफसीसी के लिए जरूरी बात है। तो जरूरी बात पहली कौन सी याद रखनी है हमें, पहली जरूरी बात याद रखनी है कि रूट 2a इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 4r के, ये रिलेशन यूज करना है। और दूसरी बात अगर z इक्वल टू देखा जाए तो कितना होता है, 4,
ठीक है, नंबर ऑफ एटम अगर देखे जाए एफसीसी यूनिट सेल के अंदर तो कितने होते हैं, चार होते हैं। बस इतनी वैल्यू हम लोगों को वेरिएट कर देनी है और सॉल्व कर देना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो सेम, पैकिंग फ्रैक्शन बार बार लिख रहा हूं, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू जेड इंटू क्या आपका वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम का मतलब वन एटम ही हुआ, और अपॉन में क्या वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल यानी कि क्यूबिक यूनिट सेल जो भी आप लेना चाहो, और मल्टीप्लाई कितने से 100 से। तो बस बाकी की बातें आपको अब समझ में आ गई होंगी। जेड के प्लेस पे क्या पुट कर ले हम लोग, चार, यहाँ पर क्या कर ले 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, और नीचे क्या लेंगे हम लोग ए क्यूब जो कि हमारी क्या होगी यूनिट सेल की एज होगी, और मल्टीप्लाई कितने से कर लेना होगा 100 से कर लेना होगा। अब आगे की बात क्या जरूरी है, आगे की बात जरूरी है कि हमें इस रिलेशन को यूज करना है और आर को यहां से एलिमिनेट करना है, बस इतनी सी बात। तो एज वी नो हमें पता है कि रूट टू ए इज इक्वल टू 4RK है, यानी कि ए इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4R अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, ए का रिलेशन कितना आ गया 4R अपॉन रूट 2 आ गया। अब बस इस ए को उठाना और कहां पुट कर देना, यहां पुट कर देना। तो ये बात तो आपको केवल बताने के लिए लिख रखी, आगे सॉल्व कर रहा हूं देखिए फटाक से। तो 4 × 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब अपॉन में आ जाओ, अपॉन में देखो इसका क्यूब लाना, ठीक है, ध्यान से देखो इसका क्यूब लाना है। तो 4 का क्यूब, ठीक है, 4 का क्यूब हो गया इंटू आर, तो आर का क्यूब हो गया। जैसे रूट 3 का क्यूब 3√3 था, वैसे ही रूट 2 का क्यूब कितना आ गया आपका 2√2, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया आपका 100। तो ये वाला आर क्यूब और ये वाला आर क्यूब कैंसिल हो गया आपका, बाकी बची हुई वैल्यूज को सॉल्व कर दो। तो 4 × 4/3 × 22/7 मल्टीप्लाई बाई, तो सब कुछ खत्म हो गया, ये 2√2 पर आ गया, ठीक है। और नीचे क्या बचा, चलो ऐसे बना देता हूं, सारा कुछ लिख दे रहा हूं, ये वाला जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये ऊपर आ जाएगा, और कौन सी वैल्यू आपकी इसकी 22/7 और 3 दोनों नीचे आ जाएंगे, ठीक है, और बाकी कटने वाले काट भी दो, ये 4 दोनों कटे, यहां से क्यूब हट गया आपका, तो बचा क्या केवल पाई। तो पहली बात तो बचा 2√2 ऊपर गया इंटू में, पाई का क्या आया ऊपर 22, ऊपर आर क्यूब तो कैंसिल आउट हो गया, नीचे आ जाओ, नीचे क्या बचा आपका 3 × 22/7 का 7 मल्टीप्लाई बाय, और कुछ बचा क्यूब कटा था तो 4 बचा, और मल्टीप्लाई में और क्या रह गया 100। अब इसको आप लोग घर पे सॉल्व करोगे, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आएगी 74.06%, या आप अप्रोक्स में क्या लिख सकते हो 74% ही लिख सकते हो। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन किसका आ गया आपका, ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गया फॉर एफसीसी लैटिस का, ठीक है। बस तीनों हो गए, हम लोगों को तीन ही पढ़ने होते, सिंपल क्यूबिक पढ़ना था, बीसीसी पढ़ना था, और क्या पढ़ना था, एफसीसी पढ़ना था। अब अगर वैकेंट स्पेस की बात करूं, ठीक है, जगह बाकी है थोड़ी सी, देख लो, अगर हम लोग किसकी बात करें वैकेंट स्पेस की, तो वैकेंट स्पेस आपको पता है क्या कर लोगे, 100 में से 74 माइनस कर दोगे, वैकेंट स्पेस आ जाएगा। अब इस वैकेंट स्पेस को ढंग से पढ़ना है, ठीक है, अगला जो टॉपिक है बेसिकली वो वैकेंट स्पेस ही है, हम लोगों को केवल क्या करना है, उसका नाम बदल दिया गया है, वॉइड कर दिया गया, और हम लोगों को वही पढ़ना है। चलो फटाक से इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट लो, नोट करते हो तो देख लो एक बार, और उसके बाद में हम लोग क्या करें अगले टॉपिक पर बढ़ जाए। अब अगर ये टॉपिक समझ में आ गए, ठीक है, तो इतनी बात तो जान लो, अगर अनअकैडमिक भी पेपर कोई देने जाओगे तो वहां पर यहां से क्वेश्चन आता है, चाहे वो रिलेशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो पैकिंग फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो, कहीं से भी क्वेश्चन हो, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप आईटिक पेपर देने जाओगे, आईटिक तो आना ही आना है, सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन आपका बनता है हमेशा, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को केवल इस वे में मत पढ़ना आप लोग कि हम लोगों को केवल बोर्ड के लिए पढ़ना है, आगे कहीं भी अगर आप साइंस से जाओगे, मैंने पहले ही क्लियर कर रखा है, बीएससी प्रीवियस में भी ये चैप्टर आपका मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लो आगे, तो आगे कभी अगर जरूरत कोई नहीं आपके पास में क्या हुआ साधन हुआ, तब भी आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बना रहेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो अब दो तीन बातों पे और ध्यान दो मेरी, और दो तीन बातों पे ध्यान देकर के तब अगला टॉपिक बढ़ाएं। अगला टॉपिक बेसिकली है वॉइड, ठीक है। अब वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब होता है वैकेंट स्पेस ही, जो हम लोग वैकेंट स्पेस इतनी देर से निकाल रहे थे सबके साथ में अलग अलग, वही पढ़ना हम लोगों को, बस उसे कह क्या दिया जाता है, उसे कह दिया जाता है वॉइड। बेसिकली आप कह सकते हो ये क्या है आपका वैकेंट स्पेस। अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि ये पहले मैंने हालांकि एक बार बताया मैंने वैकेंट स्पेस कैसे आता है, लेकिन वैकेंट स्पेस को केवल कैलकुलेट किया मैथमेटिकली। अब हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप का वैकेंट स्पेस होता है और कहां कहां पर वो क्या किया जा सकता है, पाया जा सकता है। तो पहली बात तो आपको ये जाननी है कि अगर मैंने क्या समझाया था पिछली बार, देखो वैकेंट स्पेस के लिए शायद मैंने यही एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास में एक रेक्टेंगल हो, एक आपका एटम जो है वो इस तरीके से रखा हुआ हो, और जो दूसरा एटम है वो आपका कैसे रखा हो, ऐसे रखा हो, तो वो कभी भी पूरे के पूरे एरिया को क्या कवर कर पाएगा, पूरे एरिया को कभी भी कवर
नहीं कर सकता। या सिंपल आप ले लो, एक स्क्वायर ले लो यार, और एक स्क्वायर के अंदर आप क्या कर दो, यहां से टच करता हुआ एक ऐसे सर्कल बना दो, तो क्या इस सर्कल ने इसका पूरा एरिया कवर कर लिया? पूरा तो नहीं कवर कर पाया, यानी कि कुछ स्पेस खाली रह जाता। सेम काम ये 2D में है, ठीक है। सेम काम किसके लिए होता, अगर ये ना होकर के क्या होता, ऐसा क्यूब होता और ये जो था ये पूरे में रखा हुआ होता ऐसे, ठीक। अब बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब इस 2D को किसमें बदल दिया, 3D में बदल दिया, और अब भी इसके अंदर जो एटम रखा हुआ है ना वो पूरी तरीके से इसके वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। तो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता था उसे कहते थे पैकिंग फ्रैक्शन, और जो बचता था उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे हम लोग वैकेंट स्पेस। बस यही तो पढ़ाया हम लोगों ने। तो अब देखो वॉइड क्या होती है, वैकेंट स्पेस और वॉइड में केवल इतना सा फर्क है, जब हम लोग जाते हैं वैकेंट स्पेस निकालने पर तो हम लोग केवल ये देखते हैं कि कितनी जगह खाली बची, ठीक है, और जब हम लोग जाते हैं void निकालने पर तो हम लोग देखते हैं that vacant space which is covered by atoms, ठीक है, समझो क्या बता रहा हूँ, that vacant space which is covered by atoms, वो vacant space जो कि atoms ने क्या कर रखा हो, cover करके रखा हो। तो अब cover करके रखा हो का मतलब क्या हुआ, अब इसको अगले वाले वीडियो में मैं क्लियर करूंगा पूरी तरीके से समझाने के लिए, लेकिन बस इंट्रोडक्शन देकर के क्या कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। अब दो एटम आप लोग एज्यूम करो, एक ये एटम है और एक कौन सा आइटम मान लेते हैं, यहाँ एक टच हो गया, एक ये आइटम, ठीक है, बिल्कुल स्पेयर, दोनों के दोनों स्पेयर, ये भी स्पेयर और ये भी क्या है स्पेयर। अब देखो यहां पर भी इन दोनों को टच कराया गया, कुछ ना कुछ खाली जगह है, हाँ श्योर है, लेकिन क्या ये खाली जगह बंद है किसी आइटम से, नहीं, इधर भी पूरा सराउंडिंग में खुला, उधर भी पूरा सराउंडिंग में खुला, इधर भी पूरा सराउंडिंग में है और इधर भी पूरा सराउंडिंग में है, लेकिन अगर मैं क्या कर दू, एक आइटम ला करके कहां रख दू, ऐसे रख दू ये, ठीक, उतना ही बड़ा एटम और वैसे ही बिल्कुल स्फेरिकल, बस ये। अब देखो भाई इन तीनों के बीच में क्या कुछ जगह पैक हो पाई, इन तीनों के बीच कुछ जगह अगर पैक हुई है तो वो होगा तो वैकेंट स्पेस, लेकिन ये वैकेंट स्पेस जो होगा, ठीक है, समझो इधर से ध्यान से, ये तीन एटम रखे मैंने और तीन एटम के बीच में देखो कितनी जगह फंसी, ये जगह फंस गई, ये वाली जिसको सेड कर रहा हूं। अब अगर मैं कहूं कि क्या ये वैकेंट स्पेस है तो कहोगे बिल्कुल है, तो सर ये वैकेंट स्पेस क्यों, क्योंकि एक एटम लाए, दूसरा एटम लाए, तीसरा एटम लाए, ठीक है, और तीनों एटम्स को जब हमने रख दिया ला करके, तो तीनों एटम को रखने के बाद खाली जगह बच गई, और अगर खाली जगह बची है तो वो क्या है, वैकेंट स्पेस, बट ये वैकेंट स्पेस सराउंड कितने से कर रहा, इन तीन एटम्स से कर रहा, तो इस खाली जगह को क्या कहा जाएगा, इस खाली जगह को कहा जाएगा वॉइड, ठीक, समझे बात को, वॉइड है क्या, है वैकेंट स्पेस ही, लेकिन ये वो वैकेंट स्पेस है जो कि एटम्स से क्या रहता है, बंद रहता है, सराउंड रहता है। तो डिफाइन क्या कर सकते हो, दैट वैकेंट स्पेस विच इज सराउंडेड बाई एटम्स, वो वैकेंट स्पेस जो कि हमारा क्या होता है, सराउंडेड होता है, यानी कि बंद होता है, किनके किन से, एटम से बंद होता है, उस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। अब ये वॉइड कितने तरीके की होती है, तो आपको आपके कोर्स में कितने तरीके की वॉइड पढ़नी है, पहली पढ़नी है आपको ट्राइगोनल वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड, जो दूसरी पढ़नी है वो पढ़नी है आपको टेट्रागोनल, और जो तीसरी पढ़नी है वो पढ़नी है आपको कैसी, हेक्सा गोनल वाइट, ठीक है। तो अब यहां पर समझ में आता है कि ये चीजें, ये टर्म तो हम लोगों को हल्के हल्के सुने हैं, अगर केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में अच्छी सी पढ़ी तो ट्राइगोनल भी पता है क्या होता है, टेट्राहेड्रल भी पता है क्या होता है, और हेक्सागोनल भी पता है क्या होता है, तीनों बातें हैं। तो यहां पर एक बात आ रही कि क्या खाली जगह का भी क्या शेप होगा क्या, तो खाली जगह का शेप होगा या नहीं होगा ये हम लोग क्लियर करेंगे कब, अगली वीडियो में क्लियर करेंगे कि ट्राइगोनल वॉइड क्या होती, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है, और हेक्सागोनल वॉइड आपकी क्या होती है। तो बस जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने वॉइड का दे दिया, कि जो एटम से सराउंडेड खाली स्पेस होता है उसे क्या कहते हो आप, वॉइड कहते हो, बेसिकली इसी की वजह से पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। अब देखो तो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, और आपका पैकिंग फ्रैक्शन खत्म हो गया, आप कितने टॉपिक रह गए हैं आपके, अभी आपका पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म वाला पूरा टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का, वॉइड के बाद आपको डिफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट पढ़ाने हैं सारे के सारे, और बैंड थ्योरी बची हुई है, यानी कि कम से कम अभी कितने वीडियो लगेंगे इसको बनाने में, शायद ये फोर्थ लेक्चर है, मैंने 6 लेक्चर बोला था इसको कंप्लीट करने के लिए, डेंसिटी का एक टॉपिक रह गया, हाँ, तो कम से कम कितने वीडियो लगेंगे, 4 वीडियो अभी और लगेंगे, तो ये चौथा है, और आपको क्या लगेंगे, 4 और लगेंगे, यानी कि 8 लेक्चर कम से कम लग जाएंगे, 8 लेक्चर इसलिए लगेंगे क्योंकि जब डेंसिटी का मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो वहां से मैं क्या कराऊंगा, थोड़े से क्वेश्चन भी कराऊंगा।
आप लोगों को न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की कैसे आप लोग डील करोगे न्यूमेरिकल्स को। अच्छा दूसरी बात कि इसके जो कंपटेटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन होंगे वो मैं टारगेट नीट वाली सीरीज में डाल दूंगा, आप लोग वहीं पर जाकर के देख लोगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, अगर वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो लाइक करो वीडियो को, शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर पहली बार आए हो, क्योंकि अगर आपने इंटर में कदम रखा है तो सब्सक्राइब करना आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि मैं इतना कंटेंट इस साल आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं जितने से आपका इंटर तो निपटेगा ही निपटेगा, साथ में जिस भी चीज की आप तैयारी करा रहे होगे वहां पर केमिस्ट्री में आपको दिक्कत नहीं होगी, इस बात की श्योरिटी मैं देता हूं खड़ा होकर के। तो तब तक के लिए बस एक थम करो लाइक पे फटाक से, और उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं किसके साथ में, वॉइड के साथ में। थैंक यू वेरी मच।